subscribe and click on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है क्रेजी फ्रेंड में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा हम लोग कैसे IRCTC ऐप्स के थ्रू या फिर IRCTC वेबसाइट के थ्रू कैसे हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आपको ट्रेन बुकिंग करना है तो उस आपके पर्सनल यूज़ के लिए एक आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप ट्रेन के सीट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिए, आपको वो हेल्पफुल होगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों कि हम लोग कैसे IRCTC वेबसाइट के थ्रू हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिएगा, उसमें गूगल क्रोम तो श्योर है होगा। गूगल क्रोम, ये रहा ऐप्स जो गूगल क्रोम है, वो नॉर्मली हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वो नहीं है तो दोस्तों, वो आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, इसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी शुरू करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा, मतलब डेस्कटॉप साइट में जो जैसे नॉर्मली दिखाता है उसी तरह के दिखाऊंगा। नॉर्मली डेस्कटॉप साइट बड़ा साइज का होता है या फिर उसका साइट डिज़ाइन ही कुछ अलग तरीके का होता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में मैं उसी तरह से आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम को खोल के ऊपर में जो तीन राइट बटन में तीन डॉट दिया है उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ में देखिए डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट, इसमें सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल में IRCTC, फिर हम लोग इसको सर्च करेंगे। तो दोस्तों, देखिए ये पूरा डेस्कटॉप साइट के थ्रू खुला है। देखिए पूरा सिस्टम डेस्कटॉप साइट का है, जिसको पूरा ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकेटिंग। तो हम लोग दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये अपना साइट पूरा होम पेज में खुल गया। उसके बाद हमको आप क्या करना है, अभी हमको साइन अप करना है। अगर आपके पास आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप नॉर्मली बुकिंग कर सकते हैं। वो वीडियो में जो वीडियो बनाऊँ वो आप लोग के लिए नहीं है, जो जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है वो तो नॉर्मली वो कर रहा है, उसको पता है सबके क्या कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ में दिखा रहा है, देखिए साइन अप, तो क्या करना है, साइन अप में क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, वो सब हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे डालेंगे पूरी तरह से। दोस्तों, पहले ऊपर में लिखा हुआ है यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये तीनों चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र आईडी अपने मर्ज़ी से कोई भी एक यूज़र आईडी डाल देते हैं, जैसे कि क्रेजी फ्रेंड्स करके कुछ डालते हैं। अभी देखते हैं वो आईडी अवेलेबल है या नहीं, इसको वैलिडेट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को दोस्तों, एक चेक अवेलेबिलिटी में क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यह हमें बता रहा है ग्रीन बटन से, मतलब ग्रीन लाइन से हम लोग को बता रहा है कि योर यूज़र आईडी इज़ अवेलेबल, प्लीज़ गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, अभी अगर आपको इस तरह से ग्रीन लाइन दिखाता है तो मतलब आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको रेड लाइन में दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको चेंज करके दूसरा कुछ लिख के फिर से चेक अवेलेबिलिटी में करना है। अगर उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा, मतलब ऐसे करके दिखाएगा आपका जो यूज़र आईडी है वो वैलिड है या नहीं। उसके बाद आपको नाम, फादर नाम, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड कुछ अगर हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, सब कुछ डालना है। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जो देखिए यहाँ पे है लास्ट में जो कॉपी एड्रेस होती है वो इसको सिलेक्शन करना है। फिर जो टाइप टेक्स्ट दिया है ना FVGW, उसको आप यहाँ में डालेंगे, इस जगह में डालना है। डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आपको कुछ यहाँ से कुछ सिलेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका साइन अप हो जाएगा और आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल में मिल जाएगा। फिर ईमेल में आईडी पासवर्ड मिलने के बाद दोस्तों क्या करना है, नॉर्मली होम पेज में जाने के बाद यहाँ में आपको फिर से क्या करना है, आपका
आईडी और पासवर्ड से यह हमें लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ओटीपी देंगे यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी में एक ईमेल जाएगा ओटीपी के साथ, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं और वेरीफाई हो सकते हैं। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, महीने में एक पर्सन 6 टिकट कर सकते हैं वन मंथ में, तो मतलब दोस्तों वो लिमिटेड है। अगर आप अपना IRCTC का यूज़र आईडी जो अगर आप क्या आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं करते हैं तो आपको 12 टिकट महीने में कर सकते हैं दोस्तों। वो आप वो ट्रेन बुकिंग आप ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो IRCTC का ऐप्स है वो ऐप्स आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर आपका वेबसाइट जो है वहाँ में से भी मिल जाएगा, और मेरा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो IRCTC का ऐप्स है कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखिए ये रहा, ये जो है ऐप्स वो IRCTC का ऐप्स है, तो इसके थ्रू आप कोई भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरा जो वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।